सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राठ महाविद्यालय पैठाणी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था जो राठ महाविद्यालय कॉलेज में जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है बीएड के लिए, न्यू एडमिशन्स के लिए, उन सभी के यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिस्ट जो है कॉलेज की तरफ से जो है जारी की गई थी, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने बीएड न्यू एडमिशन्स के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। तो गाइज यहाँ पे उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई आपत्ति दर्ज करवानी है तो उसमें आप ईमेल के माध्यम से एप्लीकेशन सेंड कर सकते थे, और या फिर आप जो है कॉलेज में जाके भी अपनी एप्लीकेशंस जो है सेंड यानी जमा करवा सकते थे। तो यहाँ पे फिलहाल जो है कॉलेज की तरफ से जो है बीएड की जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसकी बीएड फर्स्ट मेरिट लिस्ट की कट ऑफ, और देखेंगे क्या क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया है। तो देखिए गाइज, राठ महाविद्यालय पैठाणी में बीएड 2022-24 में एडमिशंस के लिए फर्स्ट जो है मेरिट लिस्ट में जो स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बीएड में प्रवेश दिनांक 9 नवम्बर से 11 नवम्बर शाम 5-4 बजे तक प्रदान किया जाएगा। और एडमिशन्स के टाइम पे आपको हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है, CUET PG 2022 का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का रिजल्ट, स्कोर कार्ड, परसेंटाइल, इसकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी, और जो आपने HNBGU समर्थ पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन किया है उसके उपरांत जो मार्क्स का जो आपको स्कोर कार्ड मिला है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी, इसके अलावा वेटी सर्टिफिकेट, और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और जो लास्ट कॉलेज आपने जहां से पास आउट किए हैं उससे करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लाना है ओरिजिनल, और 4 जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो लेटेस्ट आपकी होनी चाहिए। और सबसे मेन बात, जब आप एडमिशन्स लेने जाएंगे तो आपको स्वयं वहाँ पर जाना कंपलसरी है, यानी आपको खुद वहाँ पे प्रेजेंट होना जो है कंपलसरी है। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे शीघ्र ही जो है प्रकाशित की जाएगी, और जिन्होंने 6 नवंबर को जो है 6 नवंबर 2022 तक जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वे स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, तो वे स्टूडेंट्स जो है अब जो सेल्फ अटेस्ट जो सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे बीएड सीट्स है उसमें यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी आप इस कॉलेज में जो सेल्फ फाइनेंस की जो है बीएड सीट्स है उसके लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं साइंस ग्रुप में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैंडिडेट की 146 गई है, जनरल फ्रीडम फाइटर की 135 और जनरल फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट की जो गई है 133 यहाँ पे कट ऑफ गई है। AWS में जो कट ऑफ गई है 136 यहाँ पे गई है साइंस ग्रुप में। OBC ग्रुप की जो बात कर लेते हैं, OBC कैटेगरी की कट ऑफ 120 यहाँ पे गई है, और SC कैटेगरी की कट ऑफ बात कर लेते हैं यहाँ पे SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 101 गई है, 101 यहाँ पे 4 अंक जो है वेटेज के इनको मिले हैं, और ST की कट ऑफ 94 गई है। इसी तरीके से आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 82, EWS की 59, ठीक है, OBC की गई है 40, SC की गई है 27 एंड ST की गई है 86, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, और ये 50 जो गवर्नमेंट एडेड सीट हैं या 50 उनके लिए ये जो है मेरिट लिस्ट निकाली गई है, ठीक है। तो इसके बाद जल्दी सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे आएगी, तो जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम है गाइज उनको क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट के साथ में कॉलेज में जो है जो डेट दे रखी है इन्होंने 9 नवंबर से और 10 नवंबर को, ठीक है, आप अपना एडमिशन्स यहाँ पे ले सकते हैं।